पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्की रहा है और सबसे अधिक जो अधिकतम तापमान है वो गोड्डा जिले में रिकॉर्ड किया गया जो कि 29.5 डिग्री सेल्सियस था और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान है वो भी गोड्डा में ही रिकॉर्ड किया गया 13.3 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो रांची में जो न्यूनतम तापमान था वो 13.7 था और जमशेदपुर की बात करें तो 17.9, डाल्टनगंज की बात करें तो 15.1, चाईबासा की बात करें तो 16.6, और बोकारो की बात करें तो 14.1, देवघर की बात करें तो 15.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अब बात करते हैं आने वाले दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, तो 17, 18, 19, 20 ये जो 4 दिन हैं वो मौसम शुष्क रहेगा और 21 तारीख से जो मौसम है थोड़ी तब्दीली आपको देखने को मिलेगी और 21 तारीख से हल्की फुल्की छिटपुट बारिश एक आध जगह पर झारखंड में देखने को मिल सकती है। 17, 18 दो दिन दिन रात के तापमान में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, उसके तत्पश्चात बादलों का आगमन झारखंड की ओर होगा। ऐसा इसलिए है कि झारखंड के ऊपर तो कोई सिनोप्टिक फीचर नहीं बना हुआ है बट दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ, एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है और कल 18 तारीख में इसकी आपको जो कहें कि उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के पास में इसके पहुंचने की संभावना है और आने वाले दिनों में इसका असर थोड़ा बहुत झारखंड में देखने को मिलेगा और आंशिक बादल आपको 19 तारीख से थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं। बात करें तो जो दूसरा T20 मैच जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में रांची में 19 तारीख को खेला जाना है तो उसके लिए मौसम शुष्की रहेगा और बहुत ही हल्के दर्जे की बादल है जो निचले स्तर पे आपको देखने को मिल सकती है, बाकी मौसम एकदम शुष्क रहेगा और खेल के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनी रहेंगी। और जो तापमान की बात की है तो दो दिन तक कोई बदलाव नहीं है, उसके तत्पश्चात न्यूनतम तापमान में बादल आने के कारण 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।